हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर. दिस साइड प्रिया सिक्रोहा एंड वी आर गोइंग टू डू टुडे सम सैम्पल क्वेश्चंस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट. बेसिकली जो सैम्पल क्वेश्चंस आज की वीडियो में करेंगे, देखिए वो ऐसे सैम्पल क्वेश्चंस हैं जो आपके सभी सब्जेक्ट्स में इंक्लूड हो सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि मैं इनको कहूँ कि फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं या सिर्फ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हैं. देखिए, जब आप MCQ बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करते हैं, आप क्वेश्चंस अटेंड करते हैं, तो ऐसे एग्जाम्स में टीचिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस, करिकुलम पे बेस्ड क्वेश्चन, असेसमेंट पे एक आइडियल टीचर कैसा होना चाहिए, क्लासरूम कैसी होनी चाहिए, स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, ये सब कॉमन क्वेश्चन है जो टीचिंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड है. तो आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो सभी के लिए कॉमन है और आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में और डेफिनेटली आएंगे. ऐसे सेम ना आए बट इनको ट्विस्ट करके डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा एंड इनकी कवरेज एक ज़्यादा परसेंटेज में आपको आपके एग्जाम में देखने को बिल्कुल मिलेगी. तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो. सो सम क्वेश्चन एंड आंसर्स दोनों हम डिस्कस करेंगे एंड यहाँ से सेक्शन ए फर्स्ट क्वेश्चन. लॉन्ग क्लास रहने वाली है, सो बी प्रिपेयर्ड एंड हर एक चीज पे फोकस रहेगा. सो लेट्स बिगिन. यस, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 1. विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज इज हेल्ड बाय एडुकेटर्स हु बिलीव दैट टीचिंग इज अ साइंस. अब देखिए, यहाँ पे इंग्लिश हिंदी का बहुत एक हमारे लिए हो जाता है. हिंदी वाले स्टूडेंट्स बहुत बार बोलते हैं कि मैडम उसमें क्वेश्चंस नहीं है. तो देखिए, समझाने का जो माध्यम है वो हिंदी ही रहता है, इंग्लिश बहुत कम रहता है. तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है. सो डोंट वरी, आपको समझना ज़रूरी है तभी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे. लैंग्वेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. सो यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज इज हेल्ड बाय एडुकेटर्स हु बिलीव दैट टीचिंग इज अ साइंस. जो एडुकेटर्स ये बिलीव करते हैं कि जो पढ़ाने की प्रक्रिया है, जो पढ़ाना है, वो एक साइंस है, विज्ञान है, तो वो किस व्यू पॉइंट पे इस पे बिलीव करते हैं, ऐसा कौन सा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. ऑप्शंस है, रिसर्चेस ऑन टीचिंग फॉलो द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स. सेकेंड इज, टीचिंग इन्वॉल्व स्पेसिफिक लॉज एंड प्रिंसिपल्स. थर्ड इज, टीचिंग कैन बी व्यूड एज अ डिसिप्लिन विच requires extensive study and the fourth is the role of teacher are similar to the role of scientist. अब देखिए, first option में कहा जा रहा है कि जो researches होती हैं तो teaching on teaching follow the scientific principles, मतलब जो researches teaching पे हुई हैं उनमें scientific principles पाया गया है, इसलिए educators believe करते हैं कि teaching science है, that's why. या टीचिंग इन्वॉल्व स्पेसिफिक लॉज एंड प्रिंसिपल्स, या फिर पढ़ाने की प्रक्रिया में कुछ स्पेसिफिक एक नियम होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, तो इसलिए. या थर्ड पॉइंट विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, टीचिंग कैन बी व्यूड एज अ डिसिप्लिन विच रिक्वायर्स एक्सटेंसिव स्टडी. टीचिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा डिसिप्लिन है, क्षेत्र है, जहाँ पे एक एक्सटेंसिव स्टडी करते हैं हम. एक चीज़ों को खोजना भी होता है, रिसर्च भी होती है, उनके बारे में जानना भी होता है, कितना जान लिया है पहले से, वो सब होता है. एक वास्ट एरिया है, एक बड़ा क्षेत्र है, टीचिंग ऑब्वियसली एक बड़ा क्षेत्र है. हर जो भी आप देखें, कोई भी प्रोफेशन भी अगर आप देखेंगे तो हर प्रोफेशन को चूज़ करने से पहले एक प्रक्रिया होती है, वो ही टीचिंग है. तो इससे बड़ा कोई भी एक वास्ट एरिया है ही नहीं. एंड दिस इज द आंसर ऑफ आर क्वेश्चन कि क्यों एडुकेटर्स बिलीव करते हैं कि टीचिंग साइंस है. सो थर्ड ऑप्शन सी इज आर आंसर, टीचिंग कैन बी व्यूड एज अ डिसिप्लिन विच रिक्वायर्स एक्सटेंसिव स्टडी. नाउ स्विचिंग टू क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज हेल्ड बाय एडुकेटर्स हु बिलीव दैट टीचिंग इज एन आर्ट. अब देखिए, कुछ का मानना है कि टीचिंग साइंस है, कुछ का मानना है टीचिंग आर्ट है, कुछ का मानना है टीचिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस, जो कि डेफिनेशन भी है टीचिंग की, बहुत ही फेमस डेफिनेशन है टीचिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस. तो अब हमने ये तो कि क्यों जो एडुकेटर्स साइंस में बिलीव करते हैं, जो बिलीव करते हैं कि टीचिंग साइंस है, क्यों करते हैं, क्या ऐसा व्यू पॉइंट है, वो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देख लिया.
सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आर्ट है तो वो क्यों एडुकेटर सब बिलीव करते हैं. तो ऑप्शंस हैं हमारे पास, इफेक्टिव टीचर्स हैव नेचुरल इंस्टिंक्ट फॉर टीचिंग. अब देखिए, जो एक इफेक्टिव टीचर होते हैं, जो अच्छे से पढ़ा पाते हैं, उनके पास एक नेचुरली ही वो चीज़ होती है, मतलब उनके अंदर एक ऐसा गुण होता है, नेचुरल गुण होता है जो पढ़ाने का है. सेकेंड इज इफेक्टिव टीचर्स हैव सेवरल आर्टिस्टिक डिस्प्लेज ऑन देयर वॉल्स. अब देखिए, जो टीचर्स होती है उनकी एक वॉल पे सेवरल आर्टिस्टिक व्यूज होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. तो वॉल्स पे हम नहीं कह सकते कि हर टीचर की वॉल पे एक आर्टिस्टिक डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं है. हर टीचर पेंटिंग वाले आर्ट में अच्छा नहीं होता है. तो एक आर्ट की बात की जा रही है, एक गुण की बात यहाँ की जा रही है, ना कि ड्राइंग वाले आर्ट की. नेक्स्ट इज इफेक्टिव टीचर्स कोऑर्डिनेट देयर क्लासरूम एक्टिविटीज एवरी वेल. मतलब ये वेरी वेल होना था यहाँ पे. एंड देखिए, जो इफेक्टिव टीचर्स होते हैं वो क्लासरूम की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो अच्छी तरह से करा पाते हैं, इसलिए. या इफेक्टिव टीचर्स हैव गुड बिहेवियर, या उनका अच्छा बिहेवियर होता है. तो देखिए, आप ऑप्शन ए देखेंगे तो यहाँ पे है, इफेक्टिव टीचर्स जो होते हैं उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, मतलब एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाती है टीचिंग उनके लिए. तो ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट पॉइंट है. और देखिए, सीखने जैसे जैसे एक टीचर सीखता है, लाइक ट्रेनिंग के टाइम पे सीखता है, अपने बीएड या जो भी कोर्स वो कर रहा है तब सीखता है, तो एक एक्सपीरियंस के बाद, कुछ थोड़े से ही उस एक्सपीरियंस के बाद उसमें वो चीज़ नेचुरली आ जाती है. सो दैट मींस द पर्सन इज बॉर्न टू बी अ टीचर एंड ही और शी कैन बी अ वेरी गुड टीचर. तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, दिस पॉइंट फर्स्ट. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव टीचर. देखिए, एक इफेक्टिव टीचर, अच्छा टीचर बनने के लिए, प्रभावशाली टीचर बनने के लिए, इन चार ऑप्शंस में से कौन सा एक गुण होना, एक स्किल होनी उस टीचर के अंदर ज़रूरी है. सो फर्स्ट इज डिसीजन टेकिंग, मतलब वो अच्छी तरह से डिसीजंस ले पाए, कोई निर्णय ले पाए टीचर. विजुअल इलस्ट्रेशंस, मतलब देखकर किसी चीज़ को पहचान पाना, उसके बारे में लाइक बता पाना. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग डिफ़िकल्ट पीपल्स, जिन मतलब जो गंभीर बच्चे हैं, जो डिफ़िकल्टी क्रिएट करते हैं या उनको कोई डिफ़िकल्टी है, उनको पहचान पाए. नेक्स्ट इज चेंजिंग टास्क, मतलब वो टास्क को चेंज कर पाए, एक टास्क दिया दूसरा दिया, मतलब स्विच ऑन कर पाए एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया पे. तो देखिए, इन चारों में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज़ डिसीजन टेकिंग. एक टीचर को, इफेक्टिव टीचर के पास अपना डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, कि वो खुद से डिसीजंस ले पाए, एंड डिसीजंस लेना उसको आता हो. सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एन इफेक्टिव टीचर, दिस पॉइंट. Now coming to question number 4, which of the following factors is the most crucial in planning instructions? देखिए, जब हम instructions को plan करते हैं, instructions क्या होती हैं, मतलब किसी चीज़ को कैसे करना है, बताना उसके बारे में, पूरा प्रक्रिया को बताना कि ये चीज़ें होंगी, ये करना है, ये नहीं करना है, कैसे करना है, step by सब कुछ उसके बारे में बताना. तो वो सब प्लान करने के लिए इंस्ट्रक्शंस, एक कौन कौन से फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं, क्रूशियल है. फर्स्ट पॉइंट इज द स्कूल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस दैट एग्जिस्ट. तो मतलब स्कूल मैनेजमेंट की एक प्रैक्टिस रहे जो एग्जिस्ट करती हो, मतलब स्कूल मैनेजमेंट बेसिकली हो. सेकंड इज द नंबर ऑफ टीचर्स अवेलेबल टू डिलीवर इंस्ट्रक्शंस. एक गुड नंबर ऑफ टीचर्स हो, सो दैट इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली डिलीवर किया जाए, जहाँ तक भी वो पहुँचानी है वहाँ तक पहुँचाया जा सके. नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ स्कूल प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब स्कूल प्लांट और इक्विपमेंट से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, सो ये तो डेफिनेटली नहीं है. नेक्स्ट इज द एंटरिंग बिहेवियर ऑफ द पीपल, मतलब बच्चों का सबसे पहला बिहेवियर क्या रहना चाहिए, कैसा हो उस पे. तो देखिए, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, दैट इज़ डी, द एंटरिंग बिहेवियर ऑफ द पीपल, कि बच्चों का आते ही कैसा बिहेवियर है, दैट इज़ द मोस्ट
क्रूशियल इन द प्लानिंग इंस्ट्रक्शन. देखिए, अगर आप बात करें एक एडमिशन की, अगर एक न्यू एडमिशन होता है, अगर उस बच्चे का अच्छा बिहेवियर नहीं है तो आगे की प्रक्रिया विच इज़ टीचिंग लर्निंग वो भी स्टार्ट नहीं की जा सकती है. सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है, अगर आप स्मॉल क्लासेस में देखेंगे तो बच्चे को पहले स्कूल के साथ एडजस्ट किया जाता है, उसका एक सोशल बिहेवियर डेवलप किया जाता है जिसको हम एंटरिंग बिहेवियर कहते हैं, एंड देन वी स्विच टू हायर क्लासेस. जैसे जैसे बच्चा थोड़ी ऊपर क्लासेस में आता है, फर्स्ट में, सेकेंड में, एंड देन पढ़ाना उसको टीचिंग लर्निंग स्टार्ट करते हैं. सो फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर. तीन मेन पार्ट क्या हैं इंस्ट्रक्शंस के, एलिमेंट्स. तो पहला है यहाँ पे इंट्रोडक्शन, मतलब कि पहले इंट्रोड्यूस करा गया, मतलब एक जान पहचान वाला लेवल जिसको कहा जाता है. देन बॉडी, मतलब उसके अंदर होना क्या क्या है, क्या क्या प्रक्रिया होनी है, स्टेप्स बेसिकली. एंड कॉन्क्लूजन, बाद में उसका निचोड़. देन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्यूएशन. पहले प्लान किया गया, फिर उसको इम्प्लीमेंट लागू किया गया, एंड देन उसका मूल्यांकन किया गया. थर्ड इज प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड मॉनिटरिंग. प्लान किया गया, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया गया, देन उसको मॉनिटर कर रहे हैं. मतलब ये ऊपर वाले प्लान की तरह ही है, आप देख सकते हैं वर्ड्स बदले गए हैं. एग्जीक्यूट मतलब उसको भी लागू करा जा रहा है आफ्टर द प्लानिंग, एंड मॉनिटरिंग उसको देखा जा रहा है कि आफ्टर द एग्जीक्यूशन वो कैसा काम कर रहा है, नज़र रखी जा रही है. देन डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन. डिज़ाइन किया गया, देन उसका डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, एंड देन उसको इम्प्लीमेंट किया गया. मतलब जो एक डिज़ाइन तैयार करा है, डिज़ाइन का ही विकास और देन उसको लागू करना. तो क्या तीन पार्ट्स हैं एलिमेंट के, इंस्ट्रक्शंस के. देखिए यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, प्लान करना, देन इम्प्लीमेंट करना, एंड देन इवेल्युएट करना. दिस इज़ योर करेक्ट आंसर. वो ऑप्शंस देखकर ही पता चल जाता है. देखिए, इंस्ट्रक्शंस को लागू किया जाता है तो बॉडी नहीं आएगा, एग्जीक्यूट वर्ड और मॉनिटरिंग नहीं होगा क्योंकि इसका इवेल्युएशन होगा इंस्ट्रक्शंस का, एंड डिज़ाइनिंग नहीं होती है, प्लानिंग होती है. दैट इज़ वाई ऑप्शन बी ही सही है यहाँ पर. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्लानिंग इंस्ट्रक्शन. इनमें से कौन सा एक फैक्टर नहीं है इंस्ट्रक्शंस को प्लान करने का. फर्स्ट ऑप्शन इज द इंस्ट्रक्टर. सेकेंड इज परफॉर्मेंस असेसमेंट. थर्ड इज इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स. फोर्थ इज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स. परफॉर्मेंस असेसमेंट मतलब उसको असेस किया जा रहा है कैसी परफॉर्मेंस हो रही है. देन इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस को क्लियर कट बताते हैं. देन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो प्लानिंग के हम देखिए प्लानिंग के टाइम पे सेट करते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए एक इंस्ट्रक्शन के. तो यहाँ पे सेकेंड, थर्ड और फोर्थ होंगे, फर्स्ट नहीं होगा और हमसे नॉट ही पूछा है. सो ऑप्शन 1 इज द आंसर, दिस वन. नाउ स्विचिंग टू क्वेश्चन नंबर 7. विच डॉक्यूमेंट हेल्प्स द टीचर टू नो इन एडवांस द अमाउंट ऑफ वर्क ही हैज टू डू ईच टर्म, वीक एंड अ डे. अब देखिए कैसे एक टीचर को पता चलता है कि उसको काम क्या करना है, मतलब हर दिन, हर हफ्ते और एक पूरे टर्म में, एनुअल ईयर में कैसे पता चलेगा एक टीचर को. इंस्ट्रक्शनल प्लान के थ्रू, सिलेबस के थ्रू, स्कीम ऑफ वर्क के थ्रू या लेसन नोटबुक के थ्रू. तो देखिए ये पता चलेगा एक टीचर को स्कीम ऑफ वर्क के थ्रू कि उसको क्या क्या स्कीम है काम करने की, कैसा कैसा काम करना है वीक में, डे में, एक टर्म में, एक पर्टिकुलर साल में उसको क्या क्या काम करना है. तो द करेक्ट आंसर इज स्कीम ऑफ वर्क. Now coming to question number 8. What kind of lesson is used to teach formulae, laws and principles? देखिए कैसे, what kind of lesson मतलब कैसा lesson हम use करेंगे अगर हमें students को formulae बताने या कोई laws बताने हैं या कोई principles बताने हैं. A developmental lesson and
इंडक्टिव और डिडक्टिव लेसन एंड एप्रिसिएशन लेसन या अ स्किल लेसन. वी आर ऑल फेमिलियर विद दीज वर्ड्स. ऑलरेडी हमने जो वीडियोस की हैं उनमें ये सब किया हुआ है. देखिए, जब भी हम फॉर्मूले ये लॉज और प्रिंसिपल्स बताते हैं तो उसमें डेविएशंस होती हैं. मतलब एक चीज़ को हम बताते हैं कि ऐसा आया क्यों, एंड एग्जाम्पल्स के थ्रू भी होता है. तो यहाँ पे जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है एन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लेसन. वो हम यूज़ करते हैं जब भी हम फॉर्मूले लॉज प्रिंसिपल स्टूडेंट्स को टीच करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दिस वन. ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग प्रोजेक्ट्स इन टीचिंग. अब देखिए, प्रोजेक्ट्स को हम हर सब्जेक्ट में बेसिकली यूज करते हैं. तो क्यों यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट्स को, उसका क्या बेनिफिट है. पहला पॉइंट है पीपल लर्न लीडरशिप स्किल. बच्चों में लीडरशिप स्किल्स आती है, वो सीखते हैं कि कैसे लीडर बनना चाहिए. लीडर के एक गुण उनके अंदर आते हैं. नेक्स्ट इज पीपल विल नॉट मेक मिस्टेक्स इन देयर लर्निंग. प्रोजेक्ट से बच्चे लर्निंग जो उनकी होती है उनमें गलतियाँ नहीं करते हैं, क्या ये है. देन पीपल लर्न अ लॉट विद इन अ शॉर्ट टाइम. अब देखिए, बच्चे एक शॉर्ट टाइम में बहुत कुछ सीख जाते हैं प्रोजेक्ट्स के माध्यम से. लास्ट इज पीपल्स लर्न हाउ टू गैदर इन्फॉर्मेशन. और स्टूडेंट्स को ये पता चलता है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे एकत्रित करना है. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर. देखिए, फर्स्ट वाला करेक्ट है. बच्चों में लीडरशिप स्किल्स डेफिनेटली आती हैं. नेक्स्ट इज पीपल मिस्टेक्स करना नहीं सीखे, मतलब मिस्टेक्स नहीं होंगी इस प्रक्रिया में. तो मिस्टेक्स डेफिनेटली होंगी. देखिए, कुछ भी लर्न करते हैं तो कोई ये गारंटी ले ही नहीं सकता है कि मिस्टेक्स होंगी या नहीं होंगी. तो मिस्टेक्स डेफिनेटली होंगी, तो सेकंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा. एंड पीपल लर्न अ लॉट विद इन अ शॉर्ट टाइम. बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं एक छोटे वक्त में. तो ऐसा नहीं है, प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म के भी होते हैं. तो थर्ड पॉइंट भी नहीं होगा. फर्स्ट और फोर्थ सही है. एंड फर्स्ट और फोर्थ आपका है लास्ट ऑप्शन में, डी ऑप्शन में. एंड दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ एक्टिविटी मेथड इन टीचिंग. अब देखिए, एक्टिविटी के जरिए हम बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं. तो इसका सबसे ग्रेटेस्ट बेनिफिट, सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है, क्यों एक्टिविटीज को हम टीचिंग के हर सब्जेक्ट में, चाहे वो किसी कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, पंजाबी हो, एट्सेट्रा, हम यूज़ करते हैं. एंड इवन इन साइंस, इवन इन सोशल साइंस, इवन इन मैथमेटिक्स, इवन इन एनी ऑफ द लाइक कंप्यूटर साइंस की बात कर लो, फिजिकल साइंस की बात कर लो, हिंदी की बात कर लो, इंग्लिश, एवरी जो भी हम किसी भी सब्जेक्ट लैंग्वेज की बात करते हैं, एक्टिविटीज़ हम डेफिनेटली इंक्लूड करते हैं. क्यों करते हैं, मेन ग्रेटेस्ट रोल इसका बेनिफिट क्या है. फर्स्ट है, इट गिव्स चिल्ड्रेन द चांस टू एग्जर्ट फिजिकल एनर्जी. देखिए, एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे अपने अंदर की जो एनर्जी होती है, फिजिकल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, वो आउट कर पाते हैं. नेक्स्ट इज इट इनेबल्स चिल्ड्रेन टू प्रैक्टिस व्हाट दे लर्न. देखिए, इसके थ्रू बच्चे प्रैक्टिस कर पाते हैं जो उन्होंने लर्न किया है. नेक्स्ट इज इट इनेबल्स चिल्ड्रेन टू टॉक अबाउट द थिंग्स दे लर्न, या बच्चे जो उन्होंने लर्न किया है उसके बारे में बातचीत कर पाते हैं. एंड द लास्ट पॉइंट इज इट मेक्स चिल्ड्रेन लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ देयर ओन. इस ये बच्चों को अपने एक वर्ल्ड में रहने की इजाज़त देता है. सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर. देखिए, द करेक्ट ऑप्शन इज इट इनेबल्स चिल्ड्रेन टू टॉक अबाउट थिंग्स दे लर्न. देखिए, एक्टिविटी में बच्चे जब एक्टिविटी करते हैं तो वो बातचीत करते हैं जो चीज़ वो लर्न कर रहे हैं. इसमें आज़ादी भी होती है बच्चों को. लाइक एक लेक्चर मेथड से अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो जहाँ पे टीचर बोलता है बच्चों ने एक दो क्वेश्चन पूछे तो पूछे, तो वो हो जाता है. लर्निंग बाय डूइंग भी नहीं होती है. तो एक्टिविटी में लर्निंग बाय डूइंग भी होती है. और मेन जो है ग्रेटेस्ट बेनिफिट, इसमें बच्चे बातचीत करते हैं उस चीज़ के बारे में जो वो लर्न कर रहे हैं. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. इन यंगर चिल्ड्रेन लर्निंग थ्रू प्ले इज बेनिफिशियल बिकॉज इट प्रमोट्स व्हाट. अब देखिए, छोटे बच्चों को हम खेल खेल में सिखाते हैं. प्ले वे मेथड उनके साथ बहुत यूज़ करते हैं, स्पेशली प्राइमरी क्लासेस में.
तो क्यों यूज करते हैं? फर्स्ट पॉइंट है चाइल्ड इंटरेक्शन विद अदर्स. देखिए इसमें चाइल्ड का इंटरेक्शन होता है विद सॉरी टीचर्स, तो बच्चे का इंटरेक्शन टीचर के पास हो पाता है इसलिए. देन चाइल्ड मैच्योरेशन एज द एक्सरसाइज. अब देखिए बच्चा और मैच्योर होता जाता है जैसे जैसे वो एक्सरसाइज करता है. थर्ड इज चाइल्ड लर्निंग थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन. इसमें बच्चा एक्सपेरिमेंट करके सीखता है, दैट्स वाई. देन द लास्ट ऑप्शन इज चाइल्ड पार्टिसिपेट इन लर्निंग डिसीजंस. इसमें बच्चा लर्निंग डिसीजंस में पार्टिसिपेट करता है. तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज, देखिए जब बच्चा प्ले की एक एक्टिविटी करता है तो उसमें एक स्टूडेंट एक चाइल्ड कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता है और सीखता है. मे बी वो एक्सपेरिमेंट फेल भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं, मन दड़ंग उनके होते हैं, जो भी उनके दिमाग में आता है वो करते हैं. तो प्लेवे मेथड को इसलिए हम इंक्लूड करते हैं हर सब्जेक्ट में एंड स्पेशली फॉर द यंगर चिल्ड्रन प्राइमरी क्लासेस. व्हाई? बिकॉज इन दिस चाइल्ड लर्न थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. वन बेनिफिट ऑफ यूजिंग गेम्स इन टीचिंग. अब देखिए एक बेनिफिट बताना है टीचिंग का, गेम्स को टीचिंग में यूज करने का. तो फर्स्ट इज टू प्रैक्टिस अ स्किल टॉट. एक प्रैक्टिस करना जो स्किल एक बच्चों को पढ़ाया जा रहा है इसलिए, तो वो गेम्स के थ्रू हम करते हैं, ऑब्वियसली नॉट. नेक्स्ट इज टू डेवलप द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इन एजुकेशन. एक एजुकेशन के अंदर कंपटीशन क्रिएट कर देना सो दैट बच्चों को लगे ये मुझसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है या ये मुझसे बुरा कर रहा है तो मैं भी और अच्छा करूँ. एंड ये सब मतलब एक कंपटीशन लेवल आए स्टूडेंट्स में. नेक्स्ट इज टू डेवलप चिल्ड्रन सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए. नेक्स्ट इज टू क्रिएट कॉपरेशन इन लर्निंग, बच्चों का कॉपरेशन बढ़े, वो कॉपरेट होके साथ मिलकर चलना सीखे, लर्न करना सीखे बेसिकली, इसलिए होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन डी, टू क्रिएट कॉपरेशन इन लर्निंग. दिस वन. Now question number 13, which method of teaching is used when children are made to act our role so that they can understand action and events they are learning about? देखिए जब in which method of teaching is used when children are made to act out roles. अब देखिए हम बच्चों को कुछ कुछ roles दे देते हैं. For example, इस example से बिल्कुल समझेंगे. लाइक आवर हेल्पर्स का जब हम चैप्टर स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं प्राइमरी क्लासेस में, लाइक पुलिस मैन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्लम्बर है एंड मेजन है और कॉबलर है, तो बहुत सारे ये रोल्स हम बच्चों को असाइन कर देते हैं सो दैट एक बच्चा एक रोल को पकड़े, एक रोल में आए पूरे अच्छे से और उस रोल में एक्ट करे. तो ऐसा हम क्यों करते हैं, ये प्रक्रिया मतलब रोल्स की हम क्यों बच्चों को बोलते हैं? दे कैन अंडरस्टैंड बेटर एक्शन इन इवेंट्स दे आर लर्निंग अबाउट डेफिनेटली, बट हम इसके लिए मेथड कौन सा यूज करेंगे? एजुकेशनल मेथड, सिमुलेशंस, डिस्कवरी लर्निंग, इंक्वायरी लर्निंग. देखिए इन सभी के बारे में हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि सिमुलेशन क्या है, डिस्कवरी लर्निंग क्या है, इंक्वायरी लर्निंग क्या है, तो इन डेप्थ बिल्कुल नहीं जाएंगे. एंड देखिए जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सिमुलेशन. हम सिमुलेशन यूज़ करते हैं ऐसी जब हम बच्चों को इनैक्ट करने के लिए बोलते हैं डिफरेंट टाइप्स के रोल्स, जो कि देखिए यहाँ से दूसरा क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है कि क्यों बोलते हैं. तो दैट इज बिकॉज दे कैन लर्न बेटर अंडरस्टैंड एक्शन एंड इवेंट्स दे आर लर्निंग अबाउट. दो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं इस क्वेश्चन से. तो मेक श्योर इतना बड़ा क्वेश्चन जो डाला गया है वो इसलिए ही डाला गया है सो दैट अगर दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेंड कर सकें. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो इन चारों ऑप्शंस में से सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या है? एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे देखिए हर सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. बहुत एक कह सकते हैं कॉमन टॉपिक है ये जो आपको सभी सब्जेक्ट्स में और हर सब्जेक्ट के टॉपिक के साथ इंटरलिंक्ड भी है. सो फर्स्ट इज द टीचर्स कमिटमेंट टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम.
Second is the action the child put up in solving the problem. Third is the question the child will ask about the problem. And the last is the kind of thinking that the child develops about the problem. And the correct answer here is option D, the kind of thinking the child develops about the problem. मतलब एक प्रॉब्लम देखिए आपके और मेरे सामने भी आती है, हम बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बाद में सोचेंगे, पहले अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं. तो हम क्या करते हैं, हम एक सोच विचार में लग जाते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसी है, पहले तो क्या किया जाए, किससे पूछा जाए. तो मतलब द काइंड ऑफ थिंकिंग, एक ऐसी सोच जो हमारी उस प्रॉब्लम के बारे में बन जाती है जो चलती रहती है. देखिए प्रॉब्लम कैन कन्वर्ट इन टू डिप्रेशन ऑल्सो, वो छोटे बच्चों के साथ नहीं होता है, बड़ी एज में जैसे जैसे एडल्ट होते हैं हो जाता है. प्रॉब्लम्स की वजह से उसके बारे में इतना सोच सोच के एक डिप्रेशन स्टेट में भी इंसान चला जाता है. तो बच्चों के केस की डिस्कस करेंगे, उसी पे हमारा क्वेश्चन बेस्ड है कि प्रॉब्लम के बारे में बच्चा सोचता है कि कैसे, ये क्या प्रॉब्लम है. द काइंड ऑफ थिंकिंग, एक तरह की सोच जो उस प्रॉब्लम के बारे में बच्चे के अंदर उत्पन्न होती है, डेवलप होती है. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द प्रोजेक्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स ऑफ टीचिंग. कौन सा देखिए सबसे करेक्ट नेम देना सही होगा, अप्रोप्रिएट होगा फॉर द प्रोजेक्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ टीचिंग. फर्स्ट इज टीचर सेंटर्ड मेथड, सेकेंड इज डायडेक्ट्रिक मेथड, थर्ड इज ग्रुप मेथड एंड फोर्थ इज पीपल सेंटर्ड मेथड. एंड द करेक्ट ऑन, देखिए हर चीज़ को हम, मैं बता दूँ आपको, टीचर सेंटर्ड हमें कुछ लेकर नहीं चलना है. टीचर सेंटर्ड एक नेगेटिव चीज़ है, वो एक पहले के टाइम से जो एक ट्रेडिशनल पढ़ाने का व्यू चलता आ रहा है वो आप कह सकते हैं वो टीचर सेंटर्ड होता है. लेकिन आज की एजुकेशन में एक पॉजिटिव एजुकेशन हमेशा प्यूपल सेंटर्ड मेथड से चलती है. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर. अगर हमें कोई प्रोजेक्ट या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ टीचिंग अपनाना है तो उसके लिए सबसे बेस्ड, उसके लिए अप्रोप्रिएट क्या होना चाहिए, दैट इज कि वो प्यूपल सेंटर्ड मेथड्स हों. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग रिलाइज मोर ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल. फर्स्ट इज डिस्कवरी मेथड, सेकेंड इज रिसेप्शन मेथड, थर्ड इज लेक्चर मेथड, फोर्थ इज एक्सपोजिटरी मेथड. सो विच वन इज द मेथड ऑफ टीचिंग दैट रिलाइज ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल, जिसमें बच्चे खुद एक्सपीरियंस करते हैं उस पर ही वो बेस्ड है. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डिस्कवरी मेथड. उसमें बच्चे खुद खोज करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, तो वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. देखिए ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं टीचिंग में इन्वॉल्व होते हैं, कलेक्ट करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन को और ऑर्गेनाइज करते हैं, वो कौन सा मेथड है. चार ऑप्शंस हैं यहाँ पर. फर्स्ट इज एक्सपोजिटरी मेथड, सेकंड इज सोक्रेटिक डायलॉग, थर्ड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या फोर्थ इज डिस्कशन. देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कलेक्शन भी हो और ऑर्गेनाइजेशन भी हो इन्फॉर्मेशन का, तो वो किस में होगा. देखिए तो वो होगा आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में. मतलब एक प्रॉब्लम आई, उसके लिए डाटा कलेक्ट किया गया, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई, जैसा कि कैसी टाइप की प्रॉब्लम है, क्या उसका सॉल्यूशन हो गया, उसको ऑर्गेनाइज भी किया गया. मतलब इन्फॉर्मेशन के काफ़ी सारे स्टेप्स हो रहे हैं जिसमें कलेक्शन भी है, ऑर्गेनाइजेशन भी है टू सॉल्व द प्रॉब्लम. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज द करेक्ट आंसर हियर. Now coming to question number 18, which of the following activity method requires pre-activity and post-activity discussions. Pre-activity discussion जो activity से पहले किया जाएगा, post-activity discussion जो activity के बाद किया जाएगा. तो which of the following activity methods require, किस में, किस इन चारों में से किस method में ज़रूरत पड़ती है पहले और बाद के discussion की. फर्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेकेंड इज फील्ड ट्रिप्स, थर्ड इज बस मेथड एंड द लास्ट इज लेक्चर
मेथड एंड द करेक्ट ऑप्शन इज फील्ड ट्रिप्स। देखिए जब हम फील्ड पर जाते हैं किसी ट्रिप के लिए या वहाँ कुछ सीखते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे कुछ लर्निंग करते हैं, तो वहाँ पे जाने से पहले भी बच्चों को एक एक्टिविटी के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस आप बोल सकते हैं देना होता है, जो प्लान किया होता है वो बताना होता है। एक्टिविटी फेज में वो जो प्लानिंग की होती है वो एग्जीक्यूट होती है जिस पर्पज़ के लिए जा रहे होते हैं। देन पोस्ट एक्टिविटी क्या क्या सीखा, क्या किया, क्या एडवांटेज हुआ, क्या डिसएडवांटेज हुआ, क्या प्रॉब्लम्स आई, ये सब डिस्कस किया जाता है। तो प्री एक्टिविटी डिस्कशन भी रहा, पोस्ट एक्टिविटी डिस्कशन भी रहा, किस में? फील्ड ट्रिप्स में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग फॉलोज द साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन मोस्ट। अब इन चारों में से किस मेथड में साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहता है कि कुछ इन्वेस्टिगेट किया गया, खोज किया गया, छानबीन की गई, तो किस मेथड में ये चीज़ होगी? सो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट इज डिस्कवरी मेथड, सेकेंड इज प्रोजेक्ट मेथड, थर्ड इज ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड द फोर्थ इज साइंटिफिक मेथड एंड द करेक्ट ऑप्शन इज प्रोजेक्ट मेथड, जो एक साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसमें रहेगा। देखिए प्रोजेक्ट का आप जनरली देखेंगे टॉपिक दे दिया जाता है, उसके बारे में हल्का सा डिस्कशन क्लास में हो जाता है, बट स्टूडेंट उसमें खुद चीज़ों के बारे में ढूंढता है, उनको देखिए कलेक्ट करता है, बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन होता है, कलेक्शन होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, एंड देन कहीं जाकर एक प्रोजेक्ट एकम्प्लिश कंप्लीट होता है। So this is the correct answer, project method. Now coming to question number 20, which of the following is a form of simulation used in teaching? कौन सा एक form है simulation का teaching के अंदर? First is game, second is projects, third is cooperative learning, fourth is sociograms. And देखिए जो correct answer है that is here sociograms. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। देखिए बहुत कुछ है कवर करने के लिए, पूरा कोशिश पूरी रहेगी कि सब कुछ कवर कर लें बिफोर योर एग्जाम्स, एंड किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डाउट हो सो लेट मी नो, आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन इट एज सून एज पॉसिबल, या किसी अन्य वीडियो के माध्यम से दो तीन टॉपिक्स कवर कर लेंगे जल्दी जल्दी, या देखते हैं आप बताइएगा अपने डाउट्स जो भी हों। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चंस विच सीक फैक्चुअल रिकॉल और स्पेसिफिक करेक्ट आंसर आर नोन एज डैश क्वेश्चंस। देखिए जिन क्वेश्चंस में मतलब आप अपने घुमा फिरा के इधर उधर का नहीं लिख सकते हैं, उनका एक एक्यूरेट आंसर होता है, स्पेसिफिक आंसर होता है, एंड फैक्चुअल रिकॉल आपको चाहिए होता है, सोचना पड़ता है कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि एक ही आंसर है उसका, इधर उधर का तो कुछ होगा नहीं, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसे में क्वेश्चंस इसको हम क्या बोलते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चंस? रिजिड क्वेश्चंस, नैरो क्वेश्चन, टाइट क्वेश्चन या क्लोज्ड क्वेश्चंस? तो देखिए इनको बोलते हैं हम क्लोज्ड क्वेश्चन, क्योंकि जो ओपन क्वेश्चंस होते हैं तो उनमें आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि ऐसे टाइप को भी हम ओपन क्वेश्चंस के उसमें काउंट करते हैं, लेकिन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं या मैच दी फॉलोइंग होते हैं, जिनका एक ही पर्टिकुलर आंसर होता है या वन वर्ड्स जो बेसिकली आप लिखते हैं, तो आप उसको बोलते हैं क्लोज्ड क्वेश्चंस, मतलब एक ही आंसर है, वो नहीं आता तो दैट मीन्स अ रॉन्ग, कुछ आप अपने आप से या इधर उधर का नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपोस्ट्री मेथड ऑफ टीचिंग, जिसमें देखिए एक्सपोस्ट्री से ही पता चल रहा है एक्सपोजिव है कुछ, तो एक्सपोजिट्री मेथड टीचिंग में क्या उसकी स्ट्रेंथ है? फर्स्ट इज इट ऑफर्स अ रिजिड स्ट्रक्चर, ये इसका एक रिजिड स्ट्रक्चर है, या इट प्रमोट्स अ हाई रिटेंशन, या हाईली मोटिवेशनल है, या इट इज टाइम एफिशिएंट। तो कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रेंथ पूछा है, ना कि डिसएडवांटेज, तो जो स्ट्रेंथ है वो है आपका ऑप्शन, चारों ऑप्शंस को अगर आप कंपेयर करेंगे तो इट इज़ टाइम एफिशिएंट, सो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपोस्ट्री मेथड, दिस वन।
नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23. ऐसे क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आपको नहीं आएंगे, तो वी आर गोइंग टू स्किप दिस क्वेश्चन. अगर आप इसको इंडिविजुअली करना चाहते हैं तो यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट फ्रॉम हेयर. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेवल इन एफेक्टिव डोमेन क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड टू प्यूपल्स. तो देखिए अफेक्टिव डोमेन इज द डोमेन्स विच आर रिलेटेड टू जो हम देखिए एक्सपीरियंस करते हैं बच्चे के ऑब्जर्वेशन में, जो स्किल्स में आते हैं, बिहेवियर में बेसिकली आते हैं, जो आपके अंदर तक जाते हैं, वो वाले डोमेन इज कॉल्ड एफेक्टिव डोमेन. तो वो कैसे पता चलेंगे? वैल्यूइंग से, एप्लीकेशन से, सिंथेसिस से या नॉलेज से? देखिए हमने अफेक्टिव डोमेन के बारे में ऑलरेडी पहले एक दो बार डिस्कस किया हुआ है, एंड इस पे क्वेश्चंस का मतलब क्वेश्चंस पे ये वर्ड आपको देखने को डेफिनेटली मिलता रहा है. तो देखिए अफेक्टिव डोमेन जो होता है वो विद इन जाता है, जिसको अगर हमें बच्चों को मूल्यांकन भी अफेक्टिव डोमेन का देखना हो कि बच्चों को कितना अफेक्टिव वे में समझ आया है या नहीं, तो वो हम ऑब्जर्वेशन से समझ सकते हैं, ना कोई पेपर पेन टेस्ट से. तो इसमें जो बिल्कुल करेक्ट है वो है वैल्यूइंग, कि कितना बच्चों ने वैल्यूज को सीखा है, कितना उनके अंदर वो चीज़ जो हम सिखा रहे हैं उसका असर अंदर तक गया है. सो द करेक्ट आंसर विल बी वैल्यूइंग. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25. इफ अ टीचर डिजायर्स टू हेल्प पीपल टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन मीनिंग्स टू व्हाट दे आर लर्निंग, देन द एप्रोप्रिएट मेथड टू यूज इज डैश मेथड. तो कौन सा मेथड होगा अगर एक टीचर हेल्प करना चाहती है स्टूडेंट्स को कि कुछ मीनिंग कंस्ट्रक्ट हो टू व्हाट दे आर लर्निंग, जो भी चीज़ वो लर्न कर रहे हैं उसमें कोई मतलब जो मीनिंग है वो उनको समझ आए, तो उसके लिए कौन सा मेथड होगा? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, केस स्टडी मेथड, लेक्चर मेथड या डिस्कशन मेथड? तो देखिए यहाँ पे जब कोई भी चीज़ बच्चों को समझानी होती है विद मीनिंग्स लर्निंग, मतलब दिस इज़ कॉमनली वी यूज़ टू प्रैक्टिस दिस इन एवरी डे, मतलब रोज़मर्रा की जो क्लासरूम की लाइफ होती है उसमें भी ये बहुत हम यूज़ करते हैं. एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी डिस्कशन मेथड. सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है जो हम यूज़ करते हैं और ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है. 25th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज डिस्कशन मेथड. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ डिस्कशन इन टीचिंग, दीज आर नोन एज डैश डिस्कशंस. तो दो फॉर्म्स है डिस्कशन की टीचिंग में, तो कौन कौन सी हैं? होल क्लास एंड राउंड टेबल, डिबेट एंड पैनल, पैनरी एंड प्रेजेंटेशन या स्मॉल ग्रुप एंड होल ग्रुप. तो यही आंसर है. देखिए डिस्कशंस दो टाइप के होते हैं, पहला है स्मॉल ग्रुप डिस्कशन और दूसरा होता है होल क्लास डिस्कशन. स्मॉल ग्रुप डिस्कशन में टीचर क्लास के अंदर ही छोटे छोटे ग्रुप्स बना देती है और उसमें बच्चों को डिवाइड करके वो लोग डिस्कशन करते हैं चिल्ड्रेन. और एक होता है होल क्लास डिस्कशन जिसमें पूरी क्लास डिस्कस करती है, टीचर भी उसमें कई बार इन्वॉल्व होती है या कई बार स्टूडेंट्स ही पूरी क्लास के इन्वॉल्व होते हैं. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 27. When does feedback occur in the lesson? देखिए कब feedback की ज़रूरत पड़ती है या होता है lesson में feedback को include किया जाता है? Only when a lesson has been supervised, only when after an exercise has been marked, या throughout the lesson या following closure activities. And the correct answer will be throughout the lesson. देखिए फीडबैक एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हर एक चीज़ के लिए. जो भी प्रक्रिया हो रही है उसका फीडबैक मिलता रहेगा तो वो इम्प्रूव भी होती रहेगी, क्योंकि उसकी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों ही पता चलती रहेंगी. तो इट शुड बी थ्रू आउट द लेसन. वी हैव डन दिस. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 28. द टाइप ऑफ बोर्ड on which cutouts and pictures can be stuck for the purpose of teaching in class is known as very. देखिए ये classroom से based related question है. देखिए एक motive है यहाँ पे इन questions को discuss करने का, क्योंकि ये सभी को help करेंगे, first year हो, second year हो, या आप किसी भी subject का paper दे रहे हो उसमें आपको हर एक subject में ये help करेंगे. प्लस कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम आपने ये क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में भी डाल दिया और
दूसरे सब्जेक्ट में भी डाल दिया। तो देखिए यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं देखने कि मैंने तो इस सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन किए, इसमें तो फिर पहले वाले में मैंने इतने कर लिए, ये वाले कॉमन है तो मैं इस सब्जेक्ट में नहीं करूँगा। देखिए एमसीक्यू बेस्ड में आपको कॉमन क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे टीचिंग बेस्ड, क्योंकि सारे सब्जेक्ट आपके टीचिंग बेस्ड हैं, तो टीचिंग बेस्ड क्वेश्चंस, बच्चों के बेस्ड पे स्टूडेंट बेस्ड क्वेश्चन, क्लासरूम बेस्ड क्वेश्चन, स्कूल बेस्ड क्वेश्चन, टीचिंग मेथड्स बेस्ड क्वेश्चन, एक आइडियल टीचर, ये सब कॉमन क्वेश्चन हैं। ये आपको हर सब्जेक्ट में मिलेंगे और हर सब्जेक्ट में आपको कवर करने हैं। तो ये ना सोचे कि इस सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन है तो इसमें भी डाल दिए तो ये तो रेलिवेंट नहीं है, ये गलत है। नो, ये गलत नहीं है। वेन यू आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन इन योर क्वेश्चन ऑनलाइन टेस्ट, देन यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तब आपको ये समझ आएगा कि क्यों क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है दूसरे सब्जेक्ट में भी, क्योंकि वो उससे भी रेलिवेंट हैं। सो क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस कर रहे थे हम, तो ऑप्शंस हैं बुलेटिन, पैनल बोर्ड, चॉक बोर्ड या स्टिकर बोर्ड। तो किस पे हम लगाएंगे? अगर देखिए कोई भी पिक्चर्स, कटआउट्स कुछ लगाने हैं हमें, जो हम करते भी हैं नॉर्मली हर क्लास में होता है, दैट इज फ्लैनल बोर्ड, दिस बोर्ड। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डेफिनेशन फॉर द क्लास एक्सरसाइज? फर्स्ट इज अ टास्क गिवन टू पीपल ऑन द फिजिकल एजुकेशन फील्ड, अ क्वेश्चन और सेट ऑफ क्वेश्चन गिवन टू पीपल टू आंसर फॉर प्रैक्टिस। अब देखिए क्लास एक्सरसाइज क्या होती है, अगर आप ग्रामर से समझते हैं, ग्रामर में हमने बहुत सारी एक्सरसाइजेस की है, या चैप्टर के एंड में अगर आप देखेंगे तो एक्सरसाइज होती है जिसमें बेसिकली ट्रू फॉल्स होते हैं, मैच दी फॉलोविंग्स होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, कोई टास्क भी दिया होता है। तो ये एक्सरसाइज क्यों होती है? ये एक्सरसाइजेस इसलिए होती हैं तो क्योंकि एक मूल्यांकन भी हो सके स्टूडेंट्स का कि उन्होंने क्या पढ़ा है क्या नहीं, और हर वे में कि कितना उन्होंने, क्लोज क्वेश्चन भी है उसमें और ओपन क्वेश्चंस भी हैं, कि कितना स्टूडेंट्स को डीप नॉलेज हुई है और कितना ओवरव्यू नॉलेज हुई है और कितना वो एड ऑन भी कर सकते हैं इस नॉलेज के साथ। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, विच इज अ क्वेश्चन और सेट ऑफ क्वेश्चंस गिवन टू पीपल टू आंसर फॉर प्रैक्टिस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वन बेनिफिट ऑफ यूजिंग इंस्ट्रक्शनल मटीरियल इज दैट दे, हम इंस्ट्रक्शन मटीरियल को यूज करते हैं तो उसका एक बेनिफिट क्या है इनमें से? मेक इट बेटर फॉर टीचर टू सीक्वेंस टीचिंग, मेक द टीचर पास ऑन द वर्क टू द पीपल्स, थर्ड इज इनेबल पीपल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड टीचर, एंड डी इज नन ऑफ द अबव। एंड देखिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर होगा, इट इनेबल्स पीपल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड टीचर। तो ये इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, इसलिए ये बेनिफिट है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का कि बच्चों को भी आपस में कम्युनिकेट करने की इजाज़त इससे मिलती है, मतलब करते हैं वो नॉर्मली, और टीचर के साथ भी, अध्यापक के साथ भी कर पाते हैं। Let's mark this answer first so that कोई confusion ना हो। Now question number 31, what type of teaching aids is prepared drawings on a cardboard? तो उन teaching aids को हम क्या बोलते हैं, tertiary aids, secondary aids, primary aids या audio visual aids? तो ये इनको हम बोलते हैं tertiary teaching aids। ये बहुत कॉमनली हम यूज करते हैं कार्डबोर्ड पे, स्टूडेंट्स को ड्राइंग के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट इज ऑन द कंटिन्यूम ऑफ टीचर सेंटर्ड टू पीपल सेंटर्ड मेथड्स बिलो, इंसर्टेड द पॉसिबल मेथड्स आइडेंटिफाइड बाय द वर्टिकल एरोज। सो दीज आर द वर्टिकल एरोज हियर। तो अब क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ पे, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपको एग्जाम में, जस्ट ये डाला हुआ है यहाँ पे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगता है सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड अटेम्प्ट इट एंड लेट मी नो द आंसर इन द व्हाट यू हैव डन विद दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 33 अगेन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है हमारा, टीचिंग इज एन आर्ट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन टीचर्स पर्सनैलिटी एंड
एटीट्यूड, डिस्पोजिशन, नॉलेज या स्किल? वेरी इजी एंड बेसिक क्वेश्चन, देखिए, और किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, ये आपसे किसी में भी पूछ लिया जाएगा, क्योंकि जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सभी टीचिंग बेस्ड हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज स्किल। टीचिंग इज एन आर्ट। क्यों है टीचिंग एक आर्ट, एक कला क्यों है? क्योंकि इसमें टीचर्स की पर्सनालिटी और स्किल्स होते हैं, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34। एडुकेटर्स हु आर यू दैट टीचर्स आर बॉर्न एंड नॉट मेड व्यू टीचिंग एज ए एंड व्हाट? आर्ट, साइंस, वोकेशन या प्रोफेशन? एंड द करेक्ट आंसर इज आर्ट। एंड देखिए, स्पेसिफिकली एंड जब डाल दिया जाता है तो वॉवल यूज होना होता है। ये भी एक ट्रिक है विच विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जाम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। लर्निंग एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड अंडर थ्री मेन डोमेन्स, दीज आर द डैश डोमेन्स। तो ये कैसे डोमेन्स होते हैं? तीन डोमेन्स में हम लर्निंग एक्टिविटीज को बिल्कुल क्लासिफाई करते हैं। ये हमने पहले भी किया है, इस पर अलग अलग क्वेश्चन भी किए हैं, बट एक क्वेश्चन में देखिए सब कुछ डाल दिया है, तो वो तीनों डोमेन्स बताइए। हमने ये अलग अलग करके इन पे डेफिनेटली क्वेश्चन किए हुए हैं। इसके डायरेक्टली आंसर पे आएंगे तो देखिए, वो है अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन, इसलिए हम डायरेक्ट सिर्फ आंसर को देखेंगे ऐसे क्वेश्चन में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग? चिल्ड्रेन कंट्रोल द लर्निंग प्रोसेस, तो ये बिल्कुल चाइल्ड सेंटर्ड है एंड ये तो आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट इज टॉपिक्स एंड मेथड्स आर केयरफुली सेलेक्टेड। थर्ड इज चिल्ड्रेंस एज एंड इंडिविजुअल्स आर कंसिडर्ड। बिल्कुल, जिसमें देखिए बच्चों को पे कंसिडर किया जा रहा है वो तो चाइल्ड सेंटर्ड है ही, तो ए और सी तो बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट इज ओवर सेंटिमेंटल एटीट्यूड टूवर्ड्स चिल्ड्रेन, मतलब बच्चों के प्रति ज़्यादा सहानुभूति दिखाना, तो ये तो चाइल्ड सेंटर्ड हो ही नहीं सकता है, तो नॉट ही हमसे पूछा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सूट है, ये आपका नॉट के अंदर आएगा। दिस डजंट एक्सप्लेन अ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। वेरी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द यूज ऑफ द एक्टिविटी मेथड्स इन टीचिंग प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रेन? फर्स्ट इज दे आर क्रूशियल टू लर्निंग, सेकेंड इज दे मेक चिल्ड्रेन हार्ड वर्किंग, थर्ड इज चिल्ड्रेन कैन बी इंगेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, फोर्थ इज द चाइल्ड हैज द इनर डिजायर फॉर एक्टिविटी। यहाँ पे पूछा है कौन सा एक मुख्य रीजन है, कारण है कि एक्टिविटी मेथड को प्राइमरी क्लासेस में यूज़ किया जाता है। ऊपर भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, तो उसी क्वेश्चन को यहाँ पे ट्विस्ट करके पूछा है, तभी वहाँ पे भी मैंने एक वर्ड बारी बारी आपसे यूज़ किया था जब यंगेस्ट चिल्ड्रेन की बात हो रही थी। तो यंगेस्ट चिल्ड्रेन आप कह लो या प्राइमरी चिल्ड्रेन कह लो, बात एक ही है। एंड यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, द चाइल्ड हैज़ द इनर डिज़ायर फॉर एक्टिविटी। जब वो यंगेस्ट होते हैं, प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रेन की बात की जाए, तो वो उनको एक्टिविटीज़ में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और बहुत खुश होके सीखते हैं एंड इफ़ेक्टिव लर्निंग होती है। तो यहाँ पे प्राइमरी चिल्ड्रेन भी आपको यूज़ किया जा सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चंस में, एंड आपको देखने को मिल सकता है प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रेन, दोनों वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं। तो आप दोनों का मतलब एक ही है, एक ही चीज़ आपसे पूछी जा रही है, यू डोंट हैव टू बी कन्फ्यूज्ड। Now question number 38, which principle of learning is being applied when a teacher provides similarity between old and new topics in the course of learning? कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करेंगे जब टीचर कुछ सिमिलैरिटी बताती है कुछ नए टॉपिक को और पुराने टॉपिक के बीच में? मल्टीपल रिस्पॉन्स, मेंटल सेट, एनालॉजी या फिर पार्शियल एक्टिविटी? एंड द करेक्ट आंसर इज एनालॉजी। Now question number 39, which of the following methods of instruction most emphasize the organization and sequencing of information? And direct answer पे आएंगे expository,
Next is question number 40. What was the name of the greatest philosopher who has been associated with the questioning technique is in teaching? बिल्कुल लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझना नहीं है, सिर्फ आपको लर्न करना है. नेम्स ईयर्स जब आ जाते हैं तो बिल्कुल लर्निंग की ही बात होती है. तो ट्रायल एंड एरर इज द आंसर हेयर. Next is question number 41. Another name for reception learning is, reception learning को हम और क्या बोलते हैं? तो देखिए इसको expository learning भी हम बोलते हैं. Next is question number 42. जल्दी जल्दी scroll में नहीं करूँगी, आप सबकी बहुत शिकायतें आती है कि मैम आप जल्दी scroll कर देते हो, हम question note down नहीं कर पाते हैं. तो आप बिल्कुल, मैंने यहाँ पे time दे दिया है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42. विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ टीचिंग इज मोस्ट सुटेबल. तो डेफिनेशंस पहचाननी है, मैंने आपको पहले भी बताया है डेफिनेशंस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको आएंगे, तो डेफिनेशंस को भी सीरियसली लेना है, बिल्कुल आ सकते हैं. तो चार डेफिनेशंस है, सबसे एप्रोप्रिएट सुटेबल डेफिनेशन बतानी है. फर्स्ट इज द आर्ट ऑफ इम्पार्टिंग आइडियाज इनटू समबडी हु डज नॉट नो अबाउट देम. मतलब अपना एक कला है, टीचिंग एक कला है जिसमें कुछ आइडियाज आप किसी को बताते हैं, मतलब एक टीचर एक स्टूडेंट को बताती है जिन आइडियाज के बारे में टीचर को पता है स्टूडेंट को नहीं पता है. मतलब जो बता रहा है उस सामने वाले को उन आइडियाज के बारे में कुछ भी नहीं पता है. सेकंड इज द एक्टिविटी ऑफ हेल्पिंग लर्नर्स इन अ क्लासरूम टू गेन नॉलेज. एक एक्टिविटी है जिसमें जो लर्नर्स होते हैं जो सीखना चाहते हैं उनको क्लासरूम के अंदर नॉलेज दी जाती है. नेक्स्ट इज द एक्शन ऑफ समबडी हु इज ट्राइंग टू असिस्ट अदर्स टू रीच देयर पोटेंशियल. एक एक्शन है जिसमें एक लर्नर जो है या कोई भी एक इंडिविजुअल, वो एक पोटेंशियल तक पहुंचना जा रहा है और उसमें एक टीचर का रोल होता है असिस्ट करने का उसको. नेक्स्ट है लास्ट वन द इनफॉर्मल एक्टिविटी ऑफ इनकलकेटिंग स्किल एंड वैल्यूज इनटू यंग माइंड्स. एक एक्टिविटी है इनफॉर्मल एक्टिविटी जो कि टीचिंग को बोला जा रहा है इस लाइन में, जिसमें हम बच्चों के अंदर स्किल और वैल्यूज को जो यंग माइंड होता है उसके अंदर इनकलकेट करते हैं. तो देखिए यंग माइंड्स में ही नहीं करते हैं, हम सब में करते हैं. तो ये डेफिनेशन तो बिल्कुल ही गलत है और इनफॉर्मल तो कभी टीचिंग को हम बोलते ही नहीं है, इट इज़ प्रॉपरली फॉर्मल. एंड द करेक्ट डेफिनेशन इज थर्ड वन, द एक्शंस ऑफ समवन हु is trying to assist others to reach their potential. Now coming to question number 43, the activity whereby student teacher are made to demonstrate one teaching skill followed by comments and reteaching is known as what? Teach and reteach, on campus teaching, mastery teaching या micro teaching. तो इसमें direct answer पे आएंगे, that is micro teaching जो हम इन ट्रेनिंग यूज़ करते हैं टीचर्स जो इन मतलब बीएड कर रहे होते हैं, जेबीटी कर रहे होते हैं, ईटीई कर रहे होते हैं या अदर कोई कोर्स कर रहे होते हैं, तो उसमें जो स्किल यूज़ किया जाता है वो होता है माइक्रो टीचिंग, जिसमें फॉलोड बाय मतलब कमेंट्स, मतलब जब बाद में उस पर कमेंट्स रीटीचिंग ये सब भी होता है. सो यू कैन सी द प्रॉपर, इसमें से हो सकता है हाफ डेफिनेशन ही आपके क्वेश्चन में डाल दी जाए, तो मेक श्योर आप पूरा क्वेश्चन अच्छे से देखें. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 44. विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग एक्टिविटीज रिक्वायर्स पीपल टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट. जिसमें रिपोर्ट होती है, तो रिपोर्ट देखिए फील्ड ट्रिप्स में होती है, फील्ड वर्क है यहाँ पे. सो डायरेक्टली आंसर पे आएंगे ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग में होती है, रोल प्ले में भी नहीं होती, डिस्कशन में भी नहीं होती है. कोई भी देखिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है या कहीं घूम कर आते हैं, कोई फील्ड पर वर्क करने जाते हैं, तो इन सब चीज़ों में हमेशा एक रिपोर्ट लिखी जाती है जिसमें एक्सपीरियंस भी बच्चे शेयर करते हैं, चाहे वो टीचर के द्वारा लिखी भी जा सकती है या स्टूडेंट्स के द्वारा भी. तो दैट इज़ यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा, दैट इज़ फील्ड वर्क या फील्ड ट्रिप्स भी हो सकता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव.
So first is, it must specify condition under which pupils are expected to display the behavior learned. Second is, it must list all the expected activities of lesson. Third is, it must suggest to the teacher the type of instructional material to use. And the last is none of the above. And the correct answer is first one. It must specify conditions under which pupils are expected to display the behavior learned. Now, next is question number 46. Yes. One benefit of using instructional material is that they. क्या एक benefit है instructional material का कि उनसे क्या होगा? ऑप्शंस पे आएंगे. मेक इट बेटर फॉर द टीचर टू सीक्वेंस टीचिंग. टीचर के लिए बेहतर हो जाएगा कि वो जो टीचिंग की प्रक्रिया है उसको सीक्वेंस कर सकती है. दैट्स इंस्ट्रक्शनल मटेरियल से बोला है यहाँ पे, लेसन प्लान से नहीं. अगर लेसन प्लान की बात होती तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट जाता, बिकॉज इंस्ट्रक्शनल मटीरियल की है तो ये पॉइंट यहाँ पे नहीं है. नेक्स्ट इज, मेक द टीचर पास ऑन द वर्क टू द प्यूपल. ये भी नहीं होगा, ये तो नेगेटिव है कि टीचर अपना काम पास कर रही है प्यूपल्स को, ये तो डेफिनेटली नहीं होगा. नेक्स्ट इज, इनेबल प्यूपल्स टू कम्युनिकेट विद अदर्स एंड द टीचर्स. अब इससे क्या ये पॉइंट कह रहा है कि प्यूपल्स मतलब बच्चों और टीचर के बीच में कम्युनिकेशन बढ़ेगा, कम्युनिकेशन हो पाएगा बच्चों का बच्चों के साथ भी और बच्चों का टीचर के साथ भी. या नन ऑफ दी अबव. तो ऑप्शन सी बिल्कुल सूट कर रहा है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का. जो हमने ऐसा क्वेश्चन देखे, थोड़ा सा फिगर आउट होके ये चेंज होकर आया है, ऐसा क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया है. लाइंड अप है क्वेश्चंस एंड दिस इज द आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47. इन लेसन प्लानिंग द सब्जेक्ट मैटर नॉलेज दैट पीपल्स आर सपोज टू लर्न इज नोन एज व्हाट. सब्जेक्ट मैटर बोलेंगे जिसमें, देखिए मैं हिंदी में बताती हूँ आपको ये क्वेश्चन. एक लेसन प्लान द सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, जो उसके अंदर नॉलेज डाली गई है पर्टिकुलर टॉपिक की, सब्जेक्ट की, दैट pupils are supposed to learn, जो चीज़ मतलब वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है जो बच्चों को लर्न करना है उसको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट मैटर बोलेंगे, टीचर एक्टिविटीज़ बोलेंगे, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी बोलेंगे, या हम उसको बोलेंगे कोर पॉइंट. तो इसको बिल्कुल हम बोलेंगे कोर पॉइंट्स. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48. What is the name given to the kind of questions that aim at improving or expanding a pupil's initial response? अब देखिए, बच्चों का एक रिस्पॉन्स अच्छा आए, उनका एक्सपैंड हो या इम्प्रूव हो, कि बच्चों की साइड से भी मतलब रिस्पॉन्सेज आने स्टार्ट हो, तो ऐसे में हम कैसे क्वेश्चंस को, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द काइंड ऑफ क्वेश्चंस, मतलब जो क्वेश्चंस हम ऐसे में यूज़ करते हैं कि बच्चों से अच्छे रिस्पॉन्सेज मिले, जो उन्होंने सीखा है वो हम पता लगा सके और उनका मूल्यांकन भी हो सके, तो ऐसे सिचुएशन में हम किस तरह के क्वेश्चंस का यूज़ करते हैं? कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, प्रोडक्टिव या प्रॉबिंग क्वेश्चंस. तो हम यूज़ करते हैं प्रॉबिंग क्वेश्चंस को, जिसमें हमें बच्चों से कुछ रिस्पॉन्सेज मिले, एक इनिशियल रिस्पॉन्सेज मिले, मतलब सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्स आप बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49. सर्कल टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स आफ्टर रीडिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो ट्रू फॉल्स आपको यहाँ पे मेंशन करना है एंड यू कैन डू इट. ऐसे क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स बेस तो आएंगे नहीं, बट इनको मोल्ड करके थोड़ा सा आपके क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है. तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड इसका आंसर आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में. एंड क्वेश्चन नंबर 50 आल्सो यहाँ तक ही हम करेंगे, इसका आंसर भी आप देख सकते हैं. रीड द क्वेश्चन एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स. सो दिस इज अ काइंड ऑफ होमवर्क फॉर यू एंड टेक इट इन अ पॉजिटिव वे एंड बिल्कुल अपनी तैयारी रखें. तो ये 50 क्वेश्चंस हमने किए हैं, ऐसे ही कॉमन नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस बहुत जल्द आपको बीइंग अ बेस्ट टीचर पे देखने को मिलेंगे. उसके लिए चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर कर दे. एंड और एक और सीरीज ऐसी 50 क्वेश्चंस की आई विल ब्रिंग वेरी सून, बिकॉज देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपके हो, आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, रीअपियर का एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं. किसी मैं बोलूं अगर ये आपके एक इस सब्जेक्ट में आएंगे और में नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं है.
अब जब अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियोस बनती है तो हम एक क्वेश्चन मतलब कुछ क्वेश्चंस एक सब्जेक्ट में डाल देते हैं, कुछ अलग में, सो दैट क्या हो स्टूडेंट्स को वो सभी क्वेश्चंस कर ले, चाहे वो दूसरे सब्जेक्ट में पूछे जाएं तो आपको उनके आंसर्स पता हो। तो यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली वही क्वेश्चंस किए हैं जो कॉमन है, एंड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देखिए कोई MCQ बनाने की जब बात आती है तो कोई लिमिटेड क्वेश्चंस नहीं होते हैं, देयर आर अनलिमिटेड MCQs दैट यू कैन फ्रेम, जो आप बना सकते हैं एक पर्टिकुलर सिलेबस से। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे एंड बाद में और एक और सेट करेंगे डेफिनेटली 50 क्वेश्चंस का। इस बीच अगर कोई भी आपको डाउट हो सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपको लगे ये था तो ये क्यों नहीं था, ये वाला मैम ने क्यों नहीं बताया, तो यू आर ऑलवेज फ्री टू कमेंट एंड आस्क फॉर दैट, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द आंसर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ बींग अ बेस्ट टीचर। थैंक यू।